मैं दुखी इस देश में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी हूँ। ये कुचलने का काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर पेट पर भूखे तलवार से मारने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी घटिया सरकार है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। साथियों, ये जो बहकी बहकी बेहप्पन की बातें करते हैं, ये जो दो कौड़ी के अंडभक्त जो बात करते हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भूखे लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, बेरोजगार लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं, उसको हत्या करने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं है। आप सिखाएंगे हम लोगों को राष्ट्रवाद? देश के मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात कीजिए जनाब। ये भड़वे गोदी मीडिया वाले साले देश के बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण ये गोदी मीडिया है। प्रणाम सलाम, मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूं। मैं इतना ज्यादा दुखी हूं, और दुखी किस बात से हूं मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं दुखी इस देश में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी हूं। मैं दुखी इस बात से हूं कि हमारे देश के किसान, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के युवा, हमारे देश के गरीब, मजरूम, मजदूर, युवा, बेरोजगार साथियों को जो इस तरीके से परेशान किया जा रहा है इस सरकार में, मैं इस बात से दुखी हूं। दोस्तों, आज हमारे किसान भाइयों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तानाशाही रवैये से आकर किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रही है, नौजवान साथियों के साथ अत्याचार कर रही है, ये भूल गई है कि इस लोकतंत्र में विरोध जायज होता है। हालांकि आप लोगों ने पिछले 70 सालों से विरोध करते रहे, फिर भी आपको किसी ने आज तक रोका टोका नहीं है, लेकिन आज आप ही के सरकार में आपके सरकार के खिलाफ अगर विरोध किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाकर उसको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये बेहद बहुत ही ज्यादा गलत बात है दोस्तों। ये है इनकी तानाशाही हुकूमत, जिस जनता के वोटों से आज ये सत्ता में आए हुए हैं, आज उसी जनता, उसी गरीब, उसी किसान को ये दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पर पेट पर भूखे तलवार से मारने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी घटिया सरकार है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता हूं। साथियों, मैं युवा हूं, मेरी आवाज को दबाया जाता है। साथियों, मेरी आईडी बैन हो गई है, इस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज अपना दर्द मैं आप लोगों से बयां कर रहा हूं। सच्चाई को मानने वाला कोई नहीं, लेकिन जो सच है उसे कोई बयां भी नहीं कर पा रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वक्त हर युवा, हर साथी परेशान है, और फिर भी लोग कहते हैं कि मैं खुश हूं। किस बात का सरकार विकास कर रही है मुझे जरा बताना। आप लोग क्या विकास किया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने? आप पिछली सरकार की बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान में सत्ता में कौन सी सरकार बैठी है? मैं पिछली सत्ता से पूछूंगा कि सरकार ने क्या काम किया है। ये जो बहकी बहकी बेहप्पन की बातें करते हैं, ये जो दो कौड़ी के अंडभक्त जो बात करते हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं अंडभक्तों से कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करनी है? आपको अस्पताल नहीं चाहिए? आपको बेरोजगार में रोजगार नहीं चाहिए? अगर ये सब नहीं चाहिए तो छोड़ दो भारत, क्योंकि भारत में इसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भूखे लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, बेरोजगार लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं। और अगर आप सब इस बात की चिंता नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में ये बहुत, समझिए एक तरह से बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी इस देश की, कि आने वाले देश में युवाओं का जो भविष्य है वो पूरे खतरे में हो जाएगा। अन्न जो आप लोग खाते हैं वो किसानों की देन है साथियों, और किसान भाइयों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज होती है, क्या दर्द होता है उन लोगों को ऊपर जो लाठियां भासते हैं इन किसानों के ऊपर? दर्द नहीं होता है? वो अपने दोनों हाथों से खेतों में कुदाल फावड़ा चलाकर अनाज उगाते हैं,
और आप उन्हीं दो हाथों से अनाज उगाने वाले को हाथ तोड़ने का काम करते हो। कितने घटिया मानसिकता के लोग हो तुम लोग, समझ में नहीं आता हमें। बात करते हो राष्ट्रवाद की, फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हो। ये राष्ट्रवाद नहीं कि किसान हमारे देश का अनाज उगाता है, आप लोगों का पेट पालता है और आप उसी के आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं, उसकी उसको हत्या करने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं है। आप सिखाएंगे हम लोगों को राष्ट्रवाद? समझ जाओ तुम सभी लोगों को जो इस सरकार के पक्ष में जो आए दिन आबाव भक्ते हैं। मैं उन सभी तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, देश के मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात कीजिए सनाब। ये भड़वे गोदी मीडिया वाले साले देश के बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण ये गोदी मीडिया है। देश की मूलभूत समस्याओं पर बात ना करके ये दुनिया की बाहर की खबरों को दिखाते हैं, जहां हमारा गरीब भाई, जहां हमारा किसान भाई, जहां हमारा युवा बेरोजगार भाई इस चीज से बहुत दूर होता है। उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती है कि देश में चल क्या रहा है। सुधर जाओ सालो, वरना चौराहे पर नंगा करके मारे जाओगे, ये मैं वादा करता हूं तुम लोगों से। साथियों मेरे जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपना दुख प्रकट कर रहा हूं दोस्तों, तकलीफ है मुझे इस सरकार से। मैं युवा हूं, अपने साथ में जो गरीब किसान है, जो खेतों में किसान फावड़ा का कुदाल उठाकर जो खेती करते हैं, उनको देखने के बाद जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती है। वो पीड़ा मैं आज लोग आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं साथियों। ये सिखाएंगे राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद का ABCD तो इन लोगों को नहीं पता होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की। सभी साथियों से निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करेंगे। जल्द ही हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उस आंदोलन के साथ अभी सभी साथियों का सहयोग की जरूरत है हमें। और जब तक है दम गरीबों की सुनेंगे हम इनकी आवाज है, इनकी आवाज बने रहेंगे। तुम्हारी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमें रोक लो और हमें हमारे आवाज को दबा सको। जितना दबाना है दबा लो, हम उभरते रहेंगे, उभरते रहेंगे। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।